वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात्रि के 10:30 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से आ जाएं सभी लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पर ना, ये सब नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट pbrstudy.com और फ़ोन के लिए नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कई क्लास में हम घनमूल की बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम घनमूल देखेंगे, क्योंकि ये आपके डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की मैथ में चौथा पार्ट का नाम है, यानी कि चैप्टर 4 का नाम है, पूर्ण घन संख्याएं और पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है ये और कैसे और कब और क्यों होता है। सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसके बाद तीन तीन के जोड़े बनाते हैं और फिर जोड़ों का एक एक संख्या निकाल करके गुणा कर लेते हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। वैसे कुछ लोग कमेंट कर दिए होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके डीएलएड की सभी सेमेस्टर की क्लास चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन अभी तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्लास शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें। जिनको मैथ नहीं आती वो जीरो लेवल की क्लास अवश्य देखें, बिल्कुल क्लास 1 से और 10 तक की मैथ। सबसे पहले जो नंबर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरह से, इसको इस संख्या से काटते हैं जिससे पूरा पूरा कट जाए। आप देख रहे होंगे लास्ट में 7 है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटेगी, ये 3 से ही कटेगी। तो 3 × 27 है ना, कैसे करते हैं, ये 3 से भाग करेंगे 27 में, 9 बार जाता है, तो जो भागफल जाता है ना बाबू ऊपर, उसको नीचे लिखते हैं, जिससे भाग किए थे उसको सामने लिखते हैं। वैसे इसमें भी करेंगे तो ये 3 × 9 और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 × 3। आप देख रहे होंगे आपका ये इतना आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 × 3 × 3। अब आप 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही जोड़ा बन रहा है ना, तो एक जोड़ा से एक 3 बाहर निकलेगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। घन का मतलब होता है क्यूब, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्यूब का मतलब होता है 3 घात, 5 की घात 3 का मान क्या होगा, 5 × 3 = 15 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है 5 × 5 × 5, यानी कि 5 × 25 = 125। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जिसको लिखना है लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें, बहुत फास्ट करें। आपके अगले सवाल आ चुके हैं, इनका जवाब दीजिए जल्दी से। 1728 की पावर 3, देखिए ये कुछ ऐसे है, 1728 इसकी घात जो लगी है ना बाबू, वो क्या है, 1/3। इसका मतलब क्या है, 1/3 घात का मतलब जानते हैं, घनमूल निकालना है इसका। अगर 1/2 घात लगी है, जैसे देखिए 25 में लगी है 1/2 घात, 1/2 घात का मतलब उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक ना, समझ रहे ना। अगर 25 की घात ऐसे लगी हो 2, इसका मतलब 25 का गुणा 25 में करना है। ठीक है, समझ रहे ना, वो अलग चीज है बट ये अलग है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो अब आप लोग जल्दी से उत्तर कमेंट कर दें 3rd और 4th क्वेश्चन का, बहुत जल्दी करें। क्लियर दिख रहा है ना, देखिए कैसे करेंगे। पहले इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करके दिखा दें आपको। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं गुणनखंड करने के लिए, कुछ जरूरी जानकारियां देख लें। जैसे 1728 से पहले देखेंगे ये सम संख्या की विषम, आप देख रहे हैं ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो क्या करेंगे, ये माफ करिएगा, सम संख्या है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 8 है, तो ये सम संख्या से कटेगी, यानी कि 2 से कटेगी। तो इसको 2 से पहले भाग कर लो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 1728 2 से भाग करेंगे तो 2 × 8 = 16, घटाएंगे तो 1 आया, ऊपर से 2 उतार लिया, 2 × 6 = 12, ये देखिए घट के सब खत्म हो गए, 0 आ गया, ऊपर से 8 उतार लो भाई, 2 × 8 देखिए क्या है, लास्ट में 0 शेषफल आ गया, 864 आया ना। जिससे भाग करते हैं उसको उस संख्या के सामने लिखते हैं, देखिए 2 से भाग किया था लिख दिया, जो भागफल आता है वो उस संख्या के नीचे लिखा जाता है। इसी तरह से हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 × 8 और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, आप लोग इसे भाग दे लीजिएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। इसी तरह से सभी को कर डालेंगे नीचे लास्ट तक, एकदम जब तक 1 ना आ जाए। देखिए अगर अब आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने गुणनखंड पूरा कर दिया है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, गुणनखंड करना हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब गुणनखंड के बाद क्या करते हैं, 3 दिन का जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़े में से 1 2 निकाल लिया, ये
दूसरे जोड़े से एक दो निकाल लिया, तीसरे जोड़े यानी कि तीन वाले से एक तीन निकाल लिया, गुणा कर दो, दो दूना चार, चार का तीन में चार तीन बारह, हो गया ना, कितना आया, 12 आंसर आ गया। यानी कि 1728 का जो है वो क्या है, घन जो है वो घनमूल क्या है 12 है, और 12 का अगर तीन घात कर देना तो ये क्या आएगा, 1728 आएगा, समझ गए होंगे। इसका एक बटा दो घात, यहाँ बात तो वर्गमूल की नहीं हो रही है, लेकिन आपको अंतर समझाने के लिए हमने आपको बताया था एक बटा दो घात का मतलब वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, दुनिया जानती है, 5 बी वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बस तुरंत अगले दो सवाल आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, फट से फिर आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें, जिससे कि आपको पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सभी क्लास मिल सके, ठीक है ना। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप जीरो लेवल की क्लास देखें, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ सिखाने की हम सब पूर्ण गारंटी लेते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से और 7 बजे से जीरो लेवल की क्लास देखिए, ठीक है ना, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे उतना बजे आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्क्रीन पे दिया गया है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है सभी को प्रयोग करें। इसका वर्गमूल के लिए पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 4096 का 2 से काट दो, 2 दूना 4 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16, काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा तो बताइएगा, ठीक है। आगे चलें, फिर से 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, इसी तरह से काटते जाएंगे, 2 5 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काट दो भाई, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से काटेंगे 4 और फिर 2 से काटेंगे देखिए 2 और फिर लास्ट में ये 2 से काट दिया तो हो गया खत्म, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो नहीं संकोच बोलिएगा, देखिए ये 2 से कटा, फिर इस 2 से ये कटा, इस 2 से ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये और लास्ट में ये, देखिए कितना बार 2 से कटा है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बिल्कुल रुकिएगा मैं दिखा देता हूं, कितनी बार 2 से कट गया आप देख सकते हैं। यहां पे करते क्या है, तीन तीन का जोड़ा बनाते बाबू, ठीक है, तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया 3-2 का, एक जोड़ा ये बन गया 3-2 का, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा देखिए नीचे बन रहा है ना, कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो पहले जोड़े से एक दो बाहर निकाल लो भाई, इसमें से हो गया, दूसरे वाले से एक दो बाहर निकाल लो, तीसरे वाले जोड़े से एक दो और चौथे वाले जोड़े से एक दो, यानी कि आप देख रहे होंगे 2-2 को 4 बार गुणा करना है, कहीं भी लिख के कर लो ना, ये 2 का 2 फिर 2 और 2, जब आप 4 बार गुणा करेंगे समझ गए होंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपका आंसर हो गया 16। कोई कंफ्यूजन है नहीं संकोच कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, अगले में सभी जानते हैं कि 8 का वर्गमूल कितना आता है, माफ करिए घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है ना, 27 का 3 होता है, तो 8 का क्या होता है 2 और 27 का क्या होता है, 27 का 3, 2 3 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा, समझ गए ना, 6 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग कर लो चाहे तो एक में कर लो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए हम कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है ऐसे लिख लो ना, 8 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणा 2 ये 8 का गुणनखंड हो गया, 27 का गुणनखंड कर लो भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना आसान, एक एक जोड़ा बना लो 3 का 1 2 का, 1 2 बाहर आ गया 1 3 आ गया, कुल मिलाकर क्या आएगा भाई, समझ गए ना। अगर प्रतिदिन क्लास चाहते हैं तो निसंकोच आप इसी टाइम पे देख सकते हैं, रात में 10 से 11 हर दिन क्लास होती है आपकी, 2 क्लास इसमें शामिल होती है छोटी छोटी आधे आधे घंटे की, सुबह 5 बजे से लेकर के 5 से 6, 6 7, 7 से 8 आप सभी क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा दिन में भी कई क्लास होती है, शाम को भी कई क्लास होती है, 24 घंटे आप लाइव देख सकते हैं, बस आप क्लास ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से हमें फॉलो करें हर जगह, और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन करें।